ओके, लास्ट टाइम जो थियरी देखी उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन अलग तरीके से लिखा, मैं डायरेक्ट लिखा 8 10 8 12 10। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डी इज इक्वल टू, पहले डी फाइंड करना है, तो 7 9 1 10 8 1 12 10 1। ओके, अब पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, आर वन को यूज करके बाकी दो को जीरो बना लो, दैट इज 7 9 1, माइनस करो चलो, तो इट इज 3 -1 0। अब इसमें से ये, इसमें से ये माइनस करो, 5 1 0। अब वैल्यू फाइंड करेंगे किससे, C3 से, तो 1 × ये ऐड कर दिया, 3 + 5 इट इज 8। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, एरिया ट्रायंगल डेल्टा इज 1/2 मोड डी, दट इज 1/2 मोड के अंदर 8, दट इज 4 + 4। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस पर, जो जनरली पूछा जाता है, फाइंड के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस आर 2 2 6 6 and 5 k इज 4। मतलब कि आपको के ऐसा कोई फाइंड करना है जिससे ट्राइंगल का एरिया 4 आए, तो इट मींस दैट कि आपको ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 मोड डी, या तो आपको पता ही है, तो 4 इज इक्वल टू 1/2 मोड डी, तो मोड डी इज इक्वल टू 8। पहले तो इतना समझ में आया, आगे बढ़ते, अब डी का वैल्यू कैसे फाइंड करते वो देखते, डी इज इक्वल टू डी कैसे फाइंड करते थे, यस 2 2 1 6 1 एंड 5 k 1। अब क्या करेंगे, इस 1 को यूज करके बाकी 2 को 0 बना लो, तो 2 2 1 को यूज करके 4 4 0 3 k - 2 0। वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 1 × 4 k - 8 - 12 दट इज 4 k - 20। तो डी का वैल्यू आ गया, नाउ मोड डी इज इक्वल टू 8 था, तो डी की वैल्यू यहां पर रखो, तो इट इज मोड 4 k - 20। ये मोड लिखना मत, भूलना मत, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो ए की वैल्यू आएगी, तो यहां पे 8, तो अभी मोड निकलेगा, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस और माइनस, यहां पे दो ऑप्शन हो जाएंगे, 4 k - 20 इज इक्वल टू +8 एंड 4 k - 20 इज इक्वल टू -8। तो 4 k इज इक्वल टू 28, तो k इज इक्वल टू 7, और 4 k इज इक्वल टू 12, तो k इज इक्वल टू 3। क्लियर, ओके, तो यहां पे ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग द पॉइंट। ओके, तो इफ अगर आपको दो पॉइंट दिया हुआ है, चलो मान लो मैं बता देता हूं, दो पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन है, ये x1 y1 और ये x2 y2, दो ही पॉइंट देने चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज डायरेक्टली, इक्वेशन ऑफ कैसे लाइन फाइंड कर सकते हैं,
डिटरमिनेंट एक्स वाई वन, अब ये पॉइंट ले लो, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन इज इक्वल टू जीरो, ये सॉल्व कर दोगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इस पर एक, तो आपको समझ में आया। एग्जाम्पल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, एक पॉइंट है थ्री माइनस टू और दूसरा पॉइंट है माइनस वन कॉमा फोर, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन डिटरमिनेंट एक्स वाई वन थ्री माइनस टू वन एंड माइनस वन फोर वन इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहां पे जीरो बनाने मत जाओ क्योंकि यहां पे एक्स वाई हमारा मेन फोकस होगा, तो एक्स इंटू वॉट, तो एक्स इंटू माइनस टू माइनस फोर तो इट इज माइनस सिक्स, माइनस वाई इंटू थ्री प्लस वन तो इट इज अ फोर, देख लेना अच्छे से वैल्यू तो फाइंड करना आपको आता है, प्लस वन इंटू ट्वेल्व माइनस टू तो इट इज अ टेन इज इक्वल टू जीरो। तो सबको माइनस टू से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस टू से डिवाइड करोगे तो ये तो थ्री एक्स, ये होगा प्लस टू वाई और ये होगा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये थर्ड एप्लीकेशन जो था डिटरमिनेंट का वो भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट पूरा चैप्टर हमने कर लिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। Write it down.